गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 एन एक्सटेंडेड फैमिली का रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करने से पहले आप इसको अच्छे से पढ़ना और पढ़ने के बाद ही बेटा इन क्वेश्चन आंसरों को करना। ये मत सोचना हमने एक बार पढ़ लिया अब दोबारा नहीं पढ़ना। पढ़ने से, बार बार पढ़ने से ही बहुत अच्छे से आप इसे लर्न कर सकते हो। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, पिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ए, वी मीट अवर रिलेटिव्स ड्यूरिंग। हम हमारे पेरेंट रिलेटिव से कब मिलते हैं? फेस्टिवल के टाइम। सेकंड, वी कीप इन टच विद अवर फैमिली थ्रू। हम किसके द्वारा हमारे फैमिली के टच में रहते हैं? किसके द्वारा? टेलीफोन के द्वारा, मेल के द्वारा, है ना, कई चीज़ें हैं। तो यहाँ ओनली टेलीफोन है, इसलिए हम टेलीफोन पर टिक लगाएंगे। थर्ड, ए फैमिली डेट कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कजन इज ए। ऐसी फैमिली जिसमें ये सब होते हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली। मैंने अभी आपको ये सब चैप्टर 1 में भी पढ़ाया था। फोर्थ, ए न्यूक्लियर फैमिली इज ए। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? स्मॉल फैमिली होती है, क्योंकि इसमें 4 ही मेम्बर होते हैं, है ना। बी, सर्कल द ओड वन इन ईच ग्रुप। गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ आपको सर्कल करना है जो अलग है। तो देखो, स्टेपू, लंगड़ी टांग एंड 7 टाइल्स और बर्थडे। हमने बर्थडे पर क्यों किया? क्योंकि दीज आर गेम्स, है ना, ये सभी गेम हैं जो आप मिलकर खेलते हो। बट दिस इज सेलिब्रेशन या ओकेजन। ये एक ओकेजन होता है जब आप अपनी फैमिली के साथ मिलते हो। फादर, मदर, ब्रदर, टीचर। तो देखो, ये फैमिली मेंबर्स हैं, पर टीचर आपके फैमिली मेंबर नहीं होते हैं वो। सी, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, स्मॉल फैमिली इज आल्सो कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। सेकंड, वी सेंड डैश टू अवर रिलेटिव्स ऑन दियर बर्थडे। हम उनके बर्थडे पर क्या भेजते हैं? ग्रीटिंग कार्ड्स, विशेष भेजते हैं ना ग्रीटिंग कार्ड के जरिए। थर्ड, रमेश इज वंदनाज अंकल। हिज चिल्ड्रन आर वंदनाज। जो वंदना के अंकल हैं तो उनके बच्चे क्या होंगे बेटा? कजन, है ना, रमेश के कजन होंगे। फोर्थ, फैमिली गेट टुगेदर ब्रिंग। फैमिली गेट टुगेदर मतलब आपस में जब फैमिली में मिलते हैं तो वो क्या लाती है? डैश मेंबर्स क्लोजर टू वन अनादर। तो फैमिली मेंबर, तो मेंबर किसके हैं? फैमिली के, इसलिए यहाँ क्या आएगा बेटा? फैमिली। तो फैमिली मेंबर्स को वो एक दूसरे के नज़दीक लाती है। फिफ्थ, डैश ब्रिंग फैमिली मेंबर्स टुगेदर। फैमिली मेंबर्स और कब साथ में आते हैं? फेस्टिवल पर, ठीक है। नेक्स्ट, आपने आशा करती हूँ ये वाला काम, ये होमवर्क जो मैंने दिया था, अब तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि जब हमारी जूम क्लासेस हुई थी तब तक आपने ये कंप्लीट नहीं किया था। तो इसे कंप्लीट कर लेना बेटा। आगे क्वेश्चन ई, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट, नेम एन ओकेजन ऑन विच वी मीट अवर रिलेटिव। एक ऐसे ओकेजन का नाम बताइए जिस पे हम हमारे रिलेटिव से मिलते हैं। तो मैरिज और बर्थडे पार्टी, आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। नेम टू फेस्टिवल यू लाइक टू सेलिब्रेट द मोस्ट। एक ऐसा फेस्टिवल का, दो फेस्टिवल के नाम बताने हैं जो अपने जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ आप सेलिब्रेट करते हो। तो दिवाली और दुर्गा पूजा। आप यहाँ कोई और भी नेम लर्न कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। व्हाट इज़ ए जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली क्या होता है? तो जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंटी एंड कजन्स। नेम एनी 4 गेम यू लाइक टू प्ले एट होम। कोई भी 4 गेम के नाम जो मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, तो आप कोई भी, यहाँ लूडो लिख सकते हो, स्टेपू लिख सकते हो, लंगड़ी टांग लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है बेटा। आशा करती हूँ आज का काम आपको
अच्छे से समझ आया होगा, इसको अच्छे से और रिवाइज करना और पूरे क्वेश्चन और भी जो हैं उन्हें अच्छे से लर्न करना। जय हिंद।